Good morning, student of fourth class. Now we are going to discuss about the chapter of sixth. The chapter six, junk seller. In the previous class, up to 5 question was completed. Now we are going to discuss about question number 6. Okay. Now let's start. Question number 6. Answer the following question on the basis of the given table. Understand? So students, items. This is the table. Items price: 15 pencil 45 rupees, 12 pencil 120 rupees, 8 stapler 240 rupees, 4 sharpener 8 rupees, and 7 fevisticks 245 rupees. Okay. Now नीचे जो आंसर द फॉलोइंग आंसर दिया हुआ है इसका आंसर का सॉरी क्वेश्चन का आंसर देना है ये क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स. ओके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल. सो स्टूडेंट 15 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 45 रुपीज. तो 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा क्या करना चाहिए 15 का टेबल बोलना चाहिए. 15 के टेबल में 45 कितने बार आता है या फिर डिवाइड कर लो डिवाइड भी कर सकते हो. जैसे 15 45 15 3 जा 45 0 तो 3 आंसर. एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3. ओके स्टूडेंट्स सो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर 3 होगा तो 25 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 25 into 3 75 रुपीस. सो स्टूडेंट रुपीस 75. अंडरस्टैंड्स कैसे किया. देखो ये टेबल में से एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है ये पहले फाइंड किया. कैसे डिवाइड किया रुपीस को क्वांटिटी से. तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 3 रुपीस. और आपको पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स. तो एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीस 25 पेंसिल का कॉस्ट 25 into 3 रुपीस सो 75 रुपीस. अगर 3 से 25 मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो साइड में कर लेना मल्टीप्लिकेशन. जैसे 25 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस कैरी 1 7 75 आ गया. तो आगे आंसर में 75 एंड रुपीस का सिंबल लिख देना. क्यों क्योंकि रुपीस का सिंबल इसलिए लिखा है कॉस्ट पूछा. ओके स्टूडेंट्स आफ्टर दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 पेंस. एक पेन का कॉस्ट पहले फाइंड करो. देखो 12 पेन का कॉस्ट है 120 रुपीस. तो 12 से 120 को डिवाइड कर दो 12 ones are 12 0 12 0 0 आ गया 10. तो एक पेन का कॉस्ट क्या है 10 रुपीस. ओके एक पेन का तो 18 पेन का कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स 18 into 10 = 180 रुपीस. तो आंसर क्या होगा रुपीस 180. अंडरस्टैंड्स एक पेंसिल का पेन का कॉस्ट निकाला और जितना पूछा 18 पेंसिल का पेन का कॉस्ट क्या होगा 18 से इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया आ गया आंसर. ओके आफ्टर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 स्टेपलर्स. 12 स्टेपलर की कॉस्ट क्या है एक स्टेपलर की सर 8 स्टेपलर की कॉस्ट 240. तो 8 से डिवाइड करो 240 को 8 3 24 - 0 8 0 0 आ गया आंसर 30. तो देखो स्टूडेंट एक स्टेपलर की कॉस्ट 30 रुपीस. तो 12 स्टेपलर की कॉस्ट क्या होगा तो 12 into 30 रुपीस 3 12 का 36 और 10 हो गया 360 रुपीस. अंडरस्टैंड्स तो रुपीस क्या होगा 360. अंडरस्टैंड्स सो स्टूडेंट ऐसे आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 36 सपना. देखो 36 सपनर की कॉस्ट क्या है तो फाइंड करना है एक सपनर की कॉस्ट क्या है 8 को डिवाइड करो 4 से 4 2 जा 8 तो एक सपनर की कॉस्ट 2 रुपीस 36 सपनर की कॉस्ट क्या होगा तो 36 into 2 72 हो जाएगा
72 rupees. So student, write here 72 rupees. कैसे आया ये तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये आपको खुद को करना है. आफ्टर दैट फिफ्थ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 फेविस्टिक. 10 फेविस्टिक का कॉस्ट क्या है? देखो स्टूडेंट, 7 फेविस्टिक का कॉस्ट 245, तो एक फेविस्टिक का कॉस्ट 7 से डिवाइड करो 245 को. 7 3 21 माइनस 35, 7 5 35, आगे आंसर 35. तो देखो 35 रुपीस एक फेविस्टिक का कॉस्ट, तो 10 फेविस्टिक का कॉस्ट क्या होगा? 10 into 35 135 35 और 0 0 360 rupees. So student, answer 360 rupees. After that, next question क्या बोला? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 pencils एंड 3 staplers. देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पहले आपको क्या करना है, 20 pencil का कॉस्ट क्या है, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होता है, 3 rupees. तो एक पेंसिल का इधर से मिला एक पेंसिल का कॉस्ट 3 rupees. तो 20 pencil का कॉस्ट क्या होगा? 3 into 20 rupees, 320 are 60 rupees. और दूसरे है 3 staplers, तो एक स्टेबलर की कॉस्ट क्या होता है? 30 rupees. तो 3, देखो एक स्टेबलर की कॉस्ट 30 rupees, तो 3 staplers की कॉस्ट क्या होगा? एक का है 30 rupees, तो 3 का कितना होगा? 90 rupees. तो टोटल ऐड कर दो 0, 9 and 6, 15, तो 150 rupees हो जाएगा मिलकर, ₹150. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ऐसे कैसे निकाला? पहले देखो, कोई भी कॉस्ट पूछे उसको क्या करना है, एक के एक का कॉस्ट क्या है ये फाइंड करना है आपको. एक का कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो एक की कॉस्ट निकल जाएगा. एक की कॉस्ट जब निकल जाएगा, आप 20 का कॉस्ट निकाल सकते हो, 3 का कॉस्ट निकाल सकते हो. और दोनों का एक साथ कॉस्ट पूछा तो दोनों का ऐड कर दिया, तो आ गया 150 rupees. आफ्टर दैट नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, देखो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 pens and 8 fevisticks. 15 पेन का कॉस्ट क्या होगा? एक पेन का कॉस्ट, मैंने क्या बोला कि एक पेन का कॉस्ट पहले निकालो, फिर 12, ये दोनों को डिवाइड करके एक पेन का कॉस्ट क्या निकलेगा? 10 rupees. एक पेन का कॉस्ट 10 rupees, तो आप 15 पेन का कॉस्ट क्या होगा? इनटू 15, तो 150 rupees. और एक फेविस्टिक का कॉस्ट पूछा, तो एक फेविस्टिक का कॉस्ट क्या है? 35 rupees, आपको पहले मिला था. और एक पे एक फेविस्टिक का कॉस्ट अगर 35 है, तो 8 फेविस्टिक का कॉस्ट क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 3 24 प्लस 4 28, ऐड कर दो. देखो टोटल कॉस्ट पूछा दोनों का, पेंसिल पेन का एंड फेविस्टिक का, तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 13 का 3 कैरी 1 430 हो गया. सो स्टूडेंट आंसर होगा 430. अंडरस्टैंड? ऐसे आपको आंसर करना है एवरी में. तो स्टूडेंट्स, इस टेबल में से आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत सारे चीज का कॉस्ट पूछा तो आपको एक का कॉस्ट क्या है ये पहले फाइंड करना है. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट अनदर. ओके सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.